1974 में डायरेक्टर महेश भट्ट की पहली मूवी आई मंजिले और भी हैं और ये मूवी फ्लॉप रही। 1977 में इनकी दूसरी मूवी आई विश्वासघात और ये मूवी एवरेज रही। 1978 में महेश भट्ट की मूवी आई नया दौर और ये मूवी फ्लॉप रही। 1982 में महेश भट्ट की मूवी आई लहू के दो रंग और ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई अर्थ और ये मूवी हिट रही। 1984 में महेश भट्ट की मूवी आई सारांश और ये मूवी हिट रही। 1985 में इनकी मूवी आई जन्म और ये मूवी हिट रही। 1986 में महेश भट्ट की मूवी आई आसियाना और ये मूवी फ्लॉप करवाना। इसके बाद महेश भट्ट की मूवी आई नाम और ये मूवी सुपरहिट रही। 1987 में महेश भट्ट की मूवी आई आज और ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई काश और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद महेश भट्ट की मूवी आई ठिकाना और ये मूवी फ्लॉप रही। 1988 में महेश भट्ट की मूवी आई कब्जा और ये मूवी एवरेज रही। 1989 में महेश भट्ट की मूवी आई डैडी और ये मूवी हिट रही। 1990 में महेश भट्ट की मूवी आई आवारगी और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद महेश भट्ट की मूवी आई जुल्म और ये मूवी हिट रही। इसी साल इनकी मूवी आई आशिकी और ये मूवी सुपर हिट रही। 1991 में महेश भट्ट की मूवी आई साथी और ये मूवी सुपर हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई दिल है के मानता नहीं और ये मूवी सुपर हिट रही। इसके बाद महेश भट्ट की मूवी आई सड़क और ये मूवी भी सुपर हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई सातवा आसमान और ये मूवी एवरेज रही। 1992 में महेश भट्ट की मूवी आई जुनून और ये मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई मार्ग और ये मूवी फ्लॉप रही। 1993 में महेश भट्ट की मूवी आई फिर तेरी कहानी याद आई और ये मूवी सुपर हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई सर और ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई गुनाह और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद महेश भट्ट की मूवी आई हम है राही प्यार के और ये मूवी सुपर हिट रही। इसके बाद डायरेक्टर महेश भट्ट की मूवी आई गुमराह और ये मूवी हिट रही। इसी साल इनकी मूवी आई तड़ी पार और ये मूवी एवरेज रही। 1994 में महेश भट्ट की मूवी आई द जेंटलमैन और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई नाराज और ये मूवी एवरेज रही। 1995 में महेश भट्ट की मूवी आई नाजायज और ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद महेश भट्ट की मूवी आई मिलन और ये मूवी डिजास्टर रही। इसी साल इनकी मूवी आई क्रिमिनल और ये मूवी एवरेज रही। 1996 में महेश भट्ट की मूवी आई पापा कहते हैं और ये मूवी डिजास्टर रही। इसी साल इनकी मूवी आई चाहत और ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद महेश भट्ट की मूवी आई दस्तक और ये मूवी फ्लॉप रही। 1997 में महेश भट्ट की मूवी आई तमन्ना और ये मूवी फ्लॉप रही। 1998 में महेश भट्ट की मूवी आई डुप्लीकेट और ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई अंगारे और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद महेश भट्ट की मूवी आई जख्म और ये मूवी भी फ्लॉप रही। 1999 में महेश भट्ट की मूवी आई ये है मुंबई मेरी जान और ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई कारतूस और ये मूवी फ्लॉप रही। साल 2020 में महेश भट्ट की मूवी आई सड़क 2 और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। तो दोस्तों यह था डायरेक्टर महेश भट्ट का फिल्मी सफर। आपने इनकी कौन सी फिल्म देखी है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके अलावा आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, किसके ऊपर चाहिए, ये भी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।